हेलो फ्रेंड्स, आपका भी टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो बनाऊँ जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एसस जेनफोन मैक्स रैम वन को कैसे फ्लिपकार्ट ऐप से परचेस कर सकते हैं, जो कि मोबाइल्स पर रन करता है फ्लिपकार्ट का ऐप। क्योंकि ये डिवाइस अब बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है कुछ लोगों के लिए परचेस करना, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस डिवाइस को कैसे परचेस कर सकते हैं ऐप से। मैं ये किसी तरह की ट्रिक नहीं है, मैं आपको एवरी पॉसिबल वेज बता रहा हूँ जिनको आप फॉलो करके डिवाइस को ईजिली परचेस कर सकते हैं, और अगर नहीं भी परचेस कर पाएंगे तो आप उसको नेक्स्ट सेल में पक्का परचेस कर पाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको पीसी से कैसे परचेस कर सकते हो, क्योंकि उस पर स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके ऐड टू कार्ट और पेमेंट पेज पर आपको डायरेक्टली एक्सेस कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लिपकार्ट ऐप से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर चेक कर लेना है कि आपको जो इस कार्ट सेशन में 11:50 से आपको चेक करते रहना है कि एसस जेनफोन मैक्स रैम वन का यहाँ पर कार्ड आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लिखा था जैसे कि यहाँ पर ऑनर 10 का लिखा है कि लॉन्च ऑफर लिखा है, तो इसी तरह की सेल लाइव टुडे कुछ इसी तरह का यहाँ पर कार्ड आना चाहिए 11:50 से। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर है या नहीं, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर डिवाइस सर्च करना पड़ेगा। सिंपली आपको करना क्या है, आपको एसस जेनफोन मैक्स रैम वन को यहाँ पर सर्च करना है। दूसरा स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, एसस जेनफोन मैक्स रैम वन को सर्च करना है और फिर जैसे कि आपको ब्लैक कलर ही परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रे कलर है उन्होंने ग्रे कलर को अब तक लॉन्च नहीं करा है, उन्होंने बस इसको शोकेस करा है, और इसलिए रिव्यूअर्स के पास भी ब्लैक कलर को भेजा गया था रिव्यू करने के लिए। ग्रे कलर किसी के पास भी नहीं है, मैं पक्का कह सकता हूँ, और मेरे हिसाब से ये ग्रे कलर 6 GB रैम वेरियंट के लॉन्च के बाद ही आएगा। तो अगर आपको डिवाइस परचेस करना है तो भूल जाइए अगर ग्रे कलर परचेस करने वाले हैं, अगर आपको परचेस ही करना है तो आपको ब्लैक कलर ही परचेस करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको परचेस करना है ब्लैक वेरिएंट 64 GB वाला, तो आपको सिंपली ये जो हार्ट का साइन देखने को मिल रहा है इसको कहते हैं विश लिस्ट में ऐड करने का साइन, तो आप इसको सिंपली ऐड कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आपकी विश लिस्ट पूरी खाली है और आपकी विश लिस्ट में सिर्फ यही प्रोडक्ट है एसस जेनफोन मैक्स रैम वन, तो मान लीजिए जो पेज है मेरा विश लिस्ट है, तो आपको करना क्या है सेल वाले डे में, तो समझ लीजिए अभी 11:59 AM हो रहे हैं, इस डिवाइस को परचेस करने के लिए, तो आपको अपनी विश लिस्ट को ओपन करना है 11:59 से, इसको इस तरह से ओपन करना है, बैक करना है, ओपन करना है, बैक करना है, ऐसे ही करते रहिएगा इसी स्टेप को। और जब तक जैसे ही 12 बजेंगे आपको यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आता है, आपको उस पर जल्दी से क्लिक करना है। वो बाय नाउ के सामने थोड़ा सा लोडिंग का साइन आता होगा घूमने का, तो आप जब तक आपका पेज ना आ जाए आप उसको दबाते रहिए, जब तक आपका क्लिक ना हो जाए उसको आप उसको छोड़िएगा मत, उसको दबाते रहिएगा, तो सिंपली आपका कार्ट में जाके ऐड हो जाएगा या फिर आपको डायरेक्टली बाय नाउ सेशन पे ले जाएगा। और अगर आपके साथ ऐसा सीन होता है कि आपका कार्ट पे ऐड हो गया मगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो चिंता करने की बात नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है अपने कार्ट पे जाना है, जो कि जैसे कि मान लीजिए अब नेक्स्ट सेल 24 को है और आज 17 थी, आपका डिवाइस आज कार्ट पे ऐड हो गया, तो आपको करना क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पर अपने कार्ड में जाएंगे, आपको आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिलेगा यहाँ पर, और फिर आपको नेक्स्ट सेल पे सीधे डायरेक्टली अपने कार्ड को खोलना है और आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट पेज पे चला जाएगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं अगर कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, और मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि आज की सेल में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन था, तो और अच्छी बात है, आप उसको डायरेक्टली से कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, फिर आप कैश कहीं से भी ला सकते हैं, ATM से ला सकते हैं, या फिर उनके पास मशीन भी होती है, जो डिलीवरी बॉय आते हैं उनके पास मशीन होती है जिससे कि आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आप कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करता हूँ। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकैप बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, यही कुछ स्टेप्स थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना है अपनी होम स्क्रीन पे कि यहाँ पर एसस जेनफोन मैक्स रैम वन का कार्ड आ रहा है नहीं, 10 मिनट पहले चेक करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको अपने डिवाइस को विश लिस्ट पे ऐड कर लेना है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और फिर आपको अपने 11:59, जैसे ही 11:59 हो जाए आपको अपनी विश लिस्ट ओपन करनी है, और फिर आपको कंटिन्यूसली ऐसे परचेस मतलब क्लिक करते रहना जो भी वेरियंट आपको परचेस करना है। आप ग्रे कलर को गलती से भी सिलेक्ट मत कीजिएगा वरना आपको डिवाइस नहीं मिलेगा, इसी तरह करती रहेगा। फिर आपको बाय नाउ का ऑप्शन जैसे ही दिखे 12 बजे आपको बस क्लिक करना है और आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, अगर कार्ड पे चला जाता है तो अच्छी बात है, आप पेमेंट कर लीजिएगा, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, तो ऐसे ही आप इसको परचेस कर सकते हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि PC से परचेस करने का भी वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाएगा। तो ये मोबाइल से परचेस करने के लिए कुछ ईजीएस्ट और कुछ वेज थे जैसे जिनसे आप फॉलो करके आप इस डिवाइस को परचेज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे।
सो अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखते रहनी है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।